What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. दही वाले आलू की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ. बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है. जब भी आपका मन नहीं हो कुछ कटिंग चॉपिंग तैयारी करने का तो ये रेसिपी बना सकते हो. प्याज टमाटर लहसुन कुछ भी नहीं पड़ता है ये रेसिपी के अंदर. नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है. एक दही वाली ग्रेवी बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस वाली, साथ ही में थोड़े चटपटे आलू बनाएंगे और फिर उसको बाद में मिक्स करके एक बहुत ही डिलिशियस और सिंपल रेसिपी बनती है. सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आलू पकाने उसकी तैयारी कर लेते हैं. मैंने 5 से 6 मीडियम साइज आलूओं को क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है. अब इन आलूओं को हमें पारबॉइल करना है. तो एकदम गर्मा गर्म पानी में इन आलूओं को डालकर आपको पारबॉइल करना है. साथ ही में मैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ. आपको 85-90% इन आलूओं को कुक करना है. लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे. थोड़ी सी आपको कसर छोड़ देनी है आलू में पकाने के लिए. तो जो 15% कसर अभी रह जाएगी पकाने में, वो मसाले जब हम लगाएंगे उसके बाद आलूओं को पकाएंगे, वहाँ वो 15% आलू जो है वो पक जाएंगे. तो अभी आप देख सकते हो मैंने 5 से 6 मिनट के लिए आलूओं को गरम गरम पानी में पका लिया है. और जब मैं इसे फोक के साथ प्रेस कर रहा हूँ तो हल्की सी कसर इसमें रह गई है. इसी स्टेज तक आपको आलूओं को पकाना है. एक बार आप आलूओं को पका ले तब एक स्पाइडर से इसे निकाल कर छन्नी में रख दीजिए, जो एक्सेस पानी है वो ड्रिप ऑफ हो जाएगा. तो अभी आलूओं को मैंने पारबॉइल कर लिया है, अभी इन्हें मैरिनेट करना है. तो एक दूसरे बोल के अंदर 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ. अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके आलूओं का जो मैरिनेड है वो तैयार हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है. अभी इसके अंदर जो पारबॉइल किए हुए आलू है वो ऐड कर रहा हूँ. आलू ऐड करने के बाद हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए. जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट कर लीजिए आलूओं के ऊपर. तो अभी मैंने अच्छे से आलूओं को मसाले के साथ कोट कर लिया. अभी इन आलूओं को हमें पकाना है. एक पैन के अंदर शैलो फ्राई करने जितना तेल डाल दीजिए. तेल डालने के बाद हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है. एक बार आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आपको आलू इसमें ऐड करने हैं. अब तेल गर्म हो चुका है, मैं यहाँ पर जो हमारे मैरिनेटेड आलू है वो ऐड कर रहा हूँ. आलू ऐड करने के बाद आपको स्टर बिल्कुल भी नहीं करना है. एक तरफ से आलूओं को अच्छे से पका लेना है. आप स्टर नहीं करेंगे, एक तरफ से हाई फ्लेम पर जब आलूओं को पकाएंगे तो एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर फॉर्म हो जाएगी, रंग अच्छा आ जाएगा आलूओं के ऊपर. इसी तरीके से आपको आलूओं को पकाना है. एक बार नीचे अच्छा सा रंग आ जाए, क्रिस्प हो जाए आलू, उस स्टेज के ऊपर आपको आलूओं को टर्न कर देना है. तो अब आप देख सकते हो मैं आलूओं को पलटा रहा हूँ और अच्छा एक क्रिस्प लेयर आ गया है, रंग भी बहुत अच्छा आ गया आलूओं के ऊपर. इसी तरीके से आपको आलू को पकाना है सभी तरफ से. अब आप देख सकते हो मैंने आलूओं को सभी तरफ से अच्छे से पका लिया, जब तक कि आलू एकदम करारे नहीं हो गए हैं, क्रिस्प नहीं हो गए हैं और अच्छा सा रंग इन पर चढ़ नहीं गया है. इस स्टेज पर हमारे जो आलू हैं पक गए हैं, तो इन आलूओं को भी तेल से निकाल कर एक दूसरे बोल के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. तो हमारे चटपटे आलू रेडी हो गए जो ग्रेवी में हम ऐड करने वाले हैं बाद में. लेकिन इन आलूओं को आप एज इट इज़ एक स्टार्टर की तरह भी खा सकते हो. लेकिन अगर एक स्टार्टर की तरह अगर खाने वाले हो तो एक मैरिनेड में एक इंग्रेडिएंट बढ़ा दीजिए खटास के लिए. आमचूर पाउडर या अनारदाना पाउडर डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. और एक बार ये आलू रेडी हो जाए तो इनके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डालिए, थोड़ी चॉप्ड हरी मिर्ची डालिए, थोड़े से अदरक के लच्छे और हरा धनिया डालिए और सर्व कीजिए. बहुत ही टेस्टी लगते हैं. आज हम लोग एक ग्रेवी बनाने वाले, दही वाले आलू बना रहे हैं. तो ग्रेवी की जो है वो तैयारी कर लेते हैं. सबसे पहले एक काजू और मगज़ की पेस्ट बनानी है, वो बना लेते हैं. गर्म पानी के अंदर 1/4 कप काजू और 1/4 कप मेलन सीड्स यानी मगज़ ऐड कर दीजिए. अब काजू और मगज़ को आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक पका लेना है, या जब तक कि काजू सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक पका लेना है. तो अभी आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ढककर काजू और मगज़ को अच्छे से पका लिया है. काजू भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं. इस स्टेज के ऊपर आपको काजू और मगज़ को छान लेना है. एक बार आपने काजू और मगज़ को छान लिया तो इनको एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दीजिए और साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए कि आपको आसानी हो जाएगी इन्हें ग्राइंड करने में. अब इस काजू और मगज़ की एक फ़ाइन पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है. तो मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर की मदद से एकदम फ़ाइन पेस्ट तैयार कर ली है काजू और मगज़ की. इसी तरीके की पेस्ट आपको बनानी है. इसमें बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं रह जाने चाहिए, एकदम सिल्की स्मूथ पेस्ट आपको बनानी है. अब यहाँ पर मैंने 2 कप दही ले लिया है. ध्यान दीजिए, खट्टा दही नहीं लेना है, ताज़ा दही लेना है. अब मैंने जो काजू मगज़ की पेस्ट तैयार की थी वो इस दही के अंदर ऐड कर रहा हूँ. साथ ही में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
आधा टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क की मदद से मिला लीजिए, आप फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। ध्यान देना है कि जो दही में थोड़े थोड़े गुठलियाँ होती हैं, थोड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो अच्छे से आपको फेंट लेना है। एकदम सिल्की स्मूथ ये मिक्सचर बन जाना चाहिए। आप देख सकते हो एकदम सिल्की स्मूथ मिक्सचर बन गया है, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। अब हमारी जो दही वाली ग्रेवी का बेस है वो रेडी हो गया है। अभी इस मिक्सचर को हमें एक तड़का देना है ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब इस सरसों के तेल को आपको अच्छे से जला लेना है, इसमें से धुएं आने चाहिए। तो 2 से 3 मिनट तक इस तेल को अच्छे से जला लीजिए। एक बार इस तेल के अंदर से धुएं आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को जो है लो कर दीजिए या गैस को बंद कर दीजिए। तेल को हल्का सा आपको ठंडा कर लेना है बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के लच्छे इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद बस कुछ ही सेकंड्स के लिए मिक्स कर लेना है आपको और इमिजिएटली फ्लेम को लो रखते हुए 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देनी है। मिर्च पाउडर ऐड करते ही फटाफट स्टर कर लीजिए। यहाँ पर मैं हल्का सा एक पानी का छींटा मार रहा हूँ कि लाल मिर्ची जो है वो फटाफट जल जाती है, तो उसको जलने से रोकने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। फटाफट स्टर कर लीजिए, बस कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पर आपको मिर्च को जो है पका लेना है। अब इस स्टेज पर हमारा जो दही वाला मिक्सचर है वो ऐड कर दीजिए पैन के अंदर। मिक्सचर ऐड करते ही आपको कम से कम 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर ही कंटिन्यूसली स्टर करना है। ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी दही फट जाता है। यहाँ पर हमने काजू और मगज का पेस्ट डाला हुआ है तो दही का जो फटना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल 2 मिनट के लिए अच्छे से आप इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली मिला लीजिए। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से इस मिक्सचर को स्टर कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर स्टर कर रहा हूँ अच्छे से। अब आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इस ग्रेवी को पकाना है, या जब तक आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है तब तक इस ग्रेवी को पकाना है। शॉर्ट इंटरवल्स में आप स्टर करते रहिए और 7 से 8 मिनट के लिए इस ग्रेवी को पकाइए। अब आप देख सकते हो 7 से 8 मिनट के बाद ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी थिक हो चुकी है। इस स्टेज तक आपको ग्रेवी को पकाना है। अब जो मैंने चटपटे आलू तैयार किए थे वो आलू मैं ग्रेवी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। आलू ऐड करते ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा होममेड गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ और साथ ही मैं 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। अब हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो ग्रेवी है वो हल्की सी ज़्यादा थिक हो गई है, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर डाल रहा हूँ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। बस आपको कंसिस्टेंसी जो है वो एडजस्ट कर लेनी है, आपको आलूओं को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आलू हमने पहले से ही पकाए हुए हैं अच्छे से। तो बस आपको आलू को और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कंसिस्टेंसी भी हमारी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इस स्टेज के ऊपर फिनिश करने के लिए इसके अंदर मैं फ्रेशली चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रहा हूँ। धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से वापस से स्टर कर लीजिए और यहाँ पर हमारे दही वाले आलू रेडी हो चुके हैं। दही वाले आलू बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। आपने देखा कि कितनी सिंपल और क्विक रेसिपी है, कोई चॉपिंग कटिंग का इसमें झंझट नहीं है। तो जब भी आपको कोई एकदम क्विक रेसिपी बनानी है तो ये वाली रेसिपी बना सकते हो। ऊपर से नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है, तो ज़रूर बनाओ ये रेसिपी अपने घर पे, ज़रूर ट्राई करो, बहुत बढ़िया बनती है रेसिपी। ट्राई कर मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। Have an amazing time with this beautiful dahi wale aloo recipe at your home. Cheers.